ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया कि कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कुछ महिलाओं की तरफ से व्यास तहखाने में पूजा की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने इसी मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। वकील विष्णु शंकर ने कहा कि यह कहना चाहता हूं कि जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर का ताला खुलवाने का आर्डर दिया था, यह वैसा ही आदेश है। यह टर्निंग पॉइंट है, बहुत ही ऐतिहासिक आर्डर है। एक दूसरे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर कहा कि 1993 में व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाई थी गई थी। हमने उनके वंशज शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से याचिका दाखिल की, आज पूजा पाठ का आदेश दे दिया गया। कोर्ट ने प्रशासन से 1 हफ्ते में व्यवस्था करने को कहा है। आखिर व्यास जी का क्या है तहखाना? व्यास तहखाना को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। इस मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर में 1993 तक जहां पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अवैध रूप से यहां पूजा बंद करा दी और यहां से पुजारियों को हटा दिया था। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया। महिलाओं ने ज्ञान बाबी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग की थी। महिलाओं की मांग पर जज रवि कुमार ने मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था। वहीं एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था ज्ञान बापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। श्रृंगार गौरी केस और व्यास जी का तहखाना पूजा की मांग दोनों केस अलग अलग हैं। कर दिया कि 7 दिन के अंदर जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, तो सभी जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी? सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की। तो जो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उसमें। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे।